हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण जैन और मैं हूँ आर्मेनिया में सेंट थेरेसा यूनिवर्सिटी येरेवन में, और मेरे साथ है दो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। मैं उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछूंगा और उनसे पूछूंगा कि फीडबैक कैसा चल रहा है, यूनिवर्सिटी का स्टडीज़ कैसी है उनकी और यूनिवर्सिटीज़ में उनका एजुकेशन कैसी चल रही है। तो मेरे साथ है आसिफ। हेलो आसिफ, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। और है नीलम। हाय। तो आसिफ, आपसे स्टार्ट करते हैं। कितना टाइम हो गया आपको इस यूनिवर्सिटी में? अभी तक अप्रोक्स हमें 4 महीने हो गए हैं यहाँ पे आए जी। और कैसा चल रही है स्टडीज़ आपकी? स्टडीज़ हमारी एक फ्लो में शुरू हो गई है। जब शुरू में आए थे तो प्री मेड का कोर्सेज था तो उतना मतलब मज़ा नहीं आता था पढ़ने में, लेकिन जैसे सितंबर शुरू हुआ है तो हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं रेगुलर, और MCI की भी क्लास चल रही है तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अच्छा, और कंट्री का एनवायरनमेंट कैसा है ओवरऑल? कंट्री का एनवायरनमेंट आपको बेस्ट है, मैं तो कहूँगा बेस्ट है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अभी तक मतलब हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, हमें लगा ही नहीं है कि मतलब हम एक फॉरेन कंट्री में आए हैं फर्स्ट टाइम, और हमें मतलब यहाँ के लोग मिले हैं, जुले हैं, मदद भी करते हैं, समझते भी हैं, और ये लोग एक्चुअली मतलब इंडियन कल्चर से थोड़ा एसोसिएटेड हैं तो हमें मज़ा आता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। तो नीलम, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले तो काफ़ी नर्वस थी क्योंकि नया देश है, नए कॉलेज हैं, नए लोग हैं, हम यहाँ से किससे कैसे बात करें, तो काफ़ी ऐसे थॉट्स थे। बट यहाँ के इनका कल्चर भी थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर जैसा है जी। और यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है, पोलाइट है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो लोग मदद करने के लिए होते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, और 4 महीने हो गए हम रह रहे हैं तो अब तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। स्टडीज़ कैसी हैं? स्टडीज़ काफ़ी अच्छी है। पहले तो हम सोच रहे थे कि हम MCI का पैटर्न फॉलो करेंगे कि नहीं, बट फिर धीरे धीरे फिर पता चला कि हाँ, हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडियन लेवल स्टडीज़ तक चले जाए, उन तक कम्पीट करें, तो बस हमारी एफर्ट्स चल रही है। और आप कहाँ रह रहे हैं आसिफ? अभी हम एलेप्पो होटल है उसी में रह रहे हैं। अच्छा, हॉस्टल है या होटल है? हॉस्टल ही है, इन्होंने मतलब हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने उसको अपने अंडर में ले लिया। अच्छा अच्छा। और खाना यहाँ पे इंडियन मिल रहा है आपको? हाँ, इंडियन मेस ही है, कुक हमारा इंडियन ही है, खाना वही बनाता है। कैसा है टेस्ट? टेस्ट अच्छा है, अब थोड़ा सा घर के जैसा तो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन बाहर घर के जैसा जैसा बोलते हैं ना। अच्छा, वैसा अच्छा लगता है। सही है। और घर की याद आती है आपको? घर की याद आती है, लेकिन मैं भी पहले भी घर से बाहर रहा हूँ। अच्छा, तो अब थोड़ा यहाँ पे ढल गए हैं तो ज़्यादा याद नहीं आती। कहाँ से बिलोंग करते हो? वैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में था। अच्छा, काफ़ी टाइम से मैं दिल्ली रह रहा हूँ तो आदत हो गई। अच्छा, बहुत अच्छा। नीलम, आप कहाँ से हो? जी, आई एम फ्रॉम न्यू बॉम्बे, नवी मुंबई। अच्छा जी, चलो, थैंक यू वेरी मच नीलम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो और एक दिन सक्सेसफुल डॉक्टर होके इंडिया का नाम रोशन करिए। तो दोस्तों, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था सेंट थेरेसा के स्टूडेंट्स का फीडबैक। अंदर चलते हैं, मैं आपको टीचर्स का फीडबैक भी दिखाता हूँ और यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी दिखाता हूँ। मैं हूँ सेंट थेरेसा यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर के साथ, हमारे साथ है शैलजा मैम। हाय। ये भोपाल से बिलोंग करते हैं और ये स्टूडेंट्स को बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज टू सी कि यहाँ पर इंडियन स्टाफ मेंबर्स भी हैं और वो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो मैंने स्टूडेंट्स से बात करी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मैम के साथ हैं वो, कुछ भी चीज़ पूछना चाहे, बार बार पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी स्टूडेंट्स का होती है तो वो मैम से शेयर करते हैं। ये मैं इनसे मैम का एक्सपीरियंस पूछता हूँ। हेलो मैम, थैंक यू सो मच कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे लिए इतना अच्छा रिव्यू दिया है आपको। यस, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर पढ़ाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है MCI से कि मैंने बेस्ट स्टूडेंट को डील करके। सब स्टूडेंट्स का ये सोचना है कि हम इंडिया से यहाँ आए हैं और हमें बेस्ट टीचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम उनको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इंडिया में बेस्ट पढ़ाते हैं कि कहाँ पढ़ाते हैं। इवन हम जब यहाँ पढ़ाते हैं तो 2 आवर्स क्लास होती है, और 2 आवर्स क्लास को लिंकअप बनाने के लिए किसी भी टीचर को 5 आवर्स पढ़ना होता है, तो ऑब्वियसली जब हम 5 आवर्स पढ़ेंगे तो 2 आवर्स क्लास हमेशा बेस्ट क्लास रहेगी। तो दिस इज़ माई व्यू अबाउट माई क्लास, और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जब जो चीज़ आप बोलते हो वो पूरा होता है, और बहुत कंफर्टेबल जोन पे टीचर्स को काम करने को दिया जाता है। एक रूल होता है कि यदि आपको एक कंफर्टेबल जोन दिया जाए काम करने के लिए, फ्री रखा जाए, फ्री हैंड रखा जाए, तो आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो। तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, और ये मेरे लिए भी गुड लक है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे उस बेस्ट को बेस्ट समझते हैं, वेस्ट नहीं समझते। जी, जी। ये तो ये एक टीचर के लिए बहुत अच्छा पावर पॉइंट मीन्स एक पावरफुल
कैप्सूल है कि बच्चे का क्या रिव्यू है उसके लिए, यदि ये बोलते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हो, आप हमारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हो, तो ये मुझे और पॉजिटिव एनर्जी देता है और मुझे बताता है कि नहीं मैं बेस्ट से बेस्ट और क्या करूँ उनके लिए। बस मेरा तो यही। मैम आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। मैं भोपाल से हूँ, मैंने पीपल्स मेडिकल कॉलेज से भोपाल से अपना पी जी बायोकेमिस्ट्री में कम्प्लीट किया है। ये मेरा फर्स्ट जॉब है आफ्टर पी जी। थैंक यू मैम सुनने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपको स्टूडेंट्स पढ़ा रही है बहुत अच्छी तरीके। सर बिल्कुल, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी एम्स के आई ने मुझे दी है और इतने बेस्ट स्टूडेंट्स भी दिए हैं, दे आर वेरी गुड। मैंने सर ट्यूरिंग पी जी अपने काफ़ी क्लासेस की हैं, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता इनको और उनको लेकर, सेम टू सेम, बस ये आर्मेनिया में है और वो भोपाल है। सर सभी बहुत अच्छे हैं, सभी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इस रिस्पेक्ट के कारण मैं चाहती हूँ कि मैं वापस आऊँ और इनको बायोकेमिस्ट्री कम्प्लीट करूँ, बीच में इनका साथ ना छोड़ूं। और सर मैं ना जैसे जा रही हूँ अभी इंडिया वापस, तो मैंने सबसे व्हाट्सएप में और कॉन्टेक्ट लेके रखे हैं, यदि इन्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरे से कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं एनी टाइम उनकी अवेलेबल हूँ। मैं हूँ यहाँ पे सेंट थेरेसा मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के साथ, मैं उनसे कुछ बात करूँगा, उनसे पूछूँगा कि कैसे वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं और किस तरह की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। हेलो कार्लन। हेलो सो कार्लन, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एसोसिएटेड विद सेंट थेरेसा यूनिवर्सिटी? So we were working, so I was working in Saint Teresa University almost 3 years, right? And now my general competence, generally my competence in Saint Teresa University is managing and all organization process with the students. So when students firstly come, so I'm showing the country, city, all right. And then I'm managing the hostels. All right. Then we are having a look to their auditories, classrooms, right. And teaching places, libraries, and all the facilities in which they are going to have their study. Right. So, do you help them with their TRCs and? So my competence is generally also the documentation procedure work. So we are doing also. So legal procedure for students coming here. As you know, to come Armenia for study, you need to have a TRC. Yeah. So we are managing this process also. आज मैं हूँ येरेवान में आर्मेनिया रिपब्लिकल मेडिकल सेंटर में। मेरे साथ हैं इंडिया के स्टूडेंट जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं और ये यहाँ पे आए हैं, ये अपना सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं सेंट थेरेसा मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो मैं इनसे इनका फीडबैक पूछूँगा। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं करण, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह। अभिषेक, तो अभिषेक आप इस हॉस्पिटल, आप कौन से ईयर में सबसे पहले? मैं सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर सेंट थेरेसा में। कैसा चल रहा है आपका? अभी बहुत अच्छा चल रहा है, वी आर इन सेकेंड ईयर एंड वी आर डूइंग आवर क्लिनिकल एस्पेक्ट एंड वी आर डीलिंग विथ पेशेंट्स। आई कम हियर ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस अ वीक, तो इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये हॉस्पिटल 8000 बेडेड हॉस्पिटल है, जहाँ पे पूरे आर्मेनिया की जितने भी बीमारियाँ हैं वो डील होती है और बेस्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, उनकी फ्लो बहुत अच्छी होती है और दिस इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल इन ऑल ओवर आर्मेनिया। यहाँ पे हम सेंट थेरेसा मेडिकल यूनिवर्सिटी से आते हैं, फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, YSMU, फिर है उषा, सबके स्टूडेंट्स यहीं पे आकर के अपनी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स करते हैं, अपनी सारी OPDs यहीं पे डन करते हैं और हम लोग वीक में 3 बार आते हैं, वो रोटेशन में होता है कि मंडे ट्यूसडे थर्सडे आ जाए या फिर MTF आ जाए या फिर DFF आ जाए। और यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ पे जो मेडिकल वो हैं, बेड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसके बारे में इक्विपमेंट्स जैसा हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ करते हैं वो सारा इक्विपमेंट्स यहाँ पे है। अच्छा। और यहाँ का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कल्चर वगैरह कुछ डिफर है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसे पेशेंट्स को ट्रीट की जाती है बस सेम एज इट इज़ होता है। आप
आपको आर्मेनियन लैंग्वेज आती है? हाँ, थोड़ा बहुत मेरे को आर्मेनियन लैंग्वेज आती है, बिकॉज मैं एक साल से हूँ यहाँ. आपको क्लासेस दी गई हैं? हाँ, क्लासेस आर्मेनियन, लैटिन क्लासेस एंड रशियन क्लासेस, सारी तीनों चारों लैंग्वेज की क्लासेस. क्या मुश्किल तो नहीं होती आपको? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती है. वी आर फैमिलियर, लाइक वी आर इन इंडिया. थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आपसे जुड़ने में, और थैंक यू हमारे दोस्तों को आपने बताया इसके बारे में.